वेल हेलो गाइस, तो भाई हाजिर हूँ आपके लिए एक और कमाल की जबरदस्त वीडियो लेके। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 सी बिल्डिंग की टिप्स एंड ट्रिक, जिनका यूज करके भाई आप बंदों को इजीली मार पाओगे। और भाई साथ ही साथ जो बंदे कैम करके बैठे रहते हैं गाइस, आप उनको तो एकदम इजीली निपटा दोगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी पहली ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 1। अब गाइस जो आपको ये सामने खिड़कियाँ दिख रही है, यानी कि भाई जो नीचे वाली खिड़की है भाई, इसके अंदर तो आप इजीली बाहर से जा सकते हो, लेकिन भाई जो ये ऊपर वाली खिड़की है भाई, इसके अंदर आप बाहर से नहीं जा सकते। लेकिन भाई जो मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस, इसका यूज़ करके आप छत के ऊपर से डायरेक्ट इस विंडो के अंदर जा पाओगे। तो भाई इस ट्रिक को करने के लिए आपको विंडो की जो पोजीशन है भाई, उसका पता होना चाहिए। तो गाइस जो विंडो की पोजीशन है भाई, उसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, यानी कि गाइस जो आपको ये रेलिंग दिख रही है, यानी कि गाइस आपको ये छत पे रेलिंग दिख रही है, और भाई इसके जो छोटे छोटे पिल्लर है भाई, आपको इनको ध्यान में रखना है। जैसे कि गाइस 1, 2, 3, यानी कि तीसरे पिल्लर के नीचे एक विंडो देखने को मिलेगी, और इसी के साथ आपको 6 नंबर वाले पिल्लर के नीचे एक देखने को मिलेगी, और भाई साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी 9 नंबर वाले पिल्लर के नीचे एक और विंडो, और गाइस जो इसके साइड वाली जगह ये है भाई, ये भी सेम टू सेम ही है। और गाइस इस साइड में आपको 5वें नंबर वाले पिलर के नीचे एक विंडो देखने को मिलेगी, और भाई 8वें नंबर वाले पिलर के नीचे भी एक विंडो है देखने को मिल जाएगी, और गाइस साथ ही साथ जो 12 नंबर वाला पिलर है गाइस, उसके नीचे भी आपको ये वाली विंडो देखने को मिल जाएगी। और भाई जो ये छोटे वाले रूम है गाइस, इसके अंदर आपको जो 3रे नंबर वाला पिलर है भाई, इसके नीचे विंडो देखने को मिल जाएगी, और गाइस जो साइड वाली जगह है भाई, वो एकदम सेम टू सेम है। तो गाइस अब देख लेते हैं इस ट्रिक को कैसे करना है। तो गाइस इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपल सा छत के ऊपर आ जाना है, और भाई यहाँ पे आने के बाद आपको किसी भी एक पिलर के पास आके खड़ा हो जाना है, और गाइस फिर आपको एक बार जंप वाले बटन को दबाना है। और गाइस जैसे आप जंप वाले बटन को दबाओगे, तो गाइस फिर जैसे ही आप इतना नीचे आ जाओ, तो गाइस फिर आपको जंप वाले बटन को बार बार दबाते रहना है, और साथ ही साथ जो आपका जॉयस्टिक है, उसको आपको विंडो की ओर लेके जाना है। और गाइस जैसे ही आप ऐसा करोगे, तो भाई आप सिंपल सा इस विंडो के अंदर आ जाओगे। तो भाई इस ट्रिक को मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पर आके खड़ा होना है, और भाई जंप करके इस तरीके से आपको इसके अंदर आ जाना है। और गाइस जैसे आप इसके अंदर आओगे, तो भाई जो बंदा अंदर कैंप करके बैठा होगा, तो गाइस आप उसको इजीली निपटा दोगे। और भाई इस ट्रिक को जो आपको इसके साइड वाला रूम है, उसके अंदर भी आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, और भाई जो सामने वाला रूम है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो 5वें नंबर वाली रेलिंग या फिर जो 8वें 12वें नंबर वाली कोई सी भी एक रेलिंग के पास आ जाना है, और भाई यहाँ पर आपको फिर से सेम टू सेम जंप करके लेस ग्रेप का यूज़ करके अंदर आ जाना है। और भाई यहाँ पर जो बंदा फिर कैम करके बैठा होगा, तो गाइस आप उसको ईजिली निपटा दोगे। और गाइस इसी तरीके से जो है छोटे वाले रूम है भाई, इसके अंदर भी आप इजीली आ पाओगे, यानी कि भाई यहाँ भी कोई बंदा कैम करके बैठा है, तो गाइस आप उसको इजीली निपटा दोगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो गाइस अगर आपसे ट्रिक नंबर 1 सही से नहीं हो पाए, तो गाइस आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, और गाइस इस ट्रिक का यूज़ करके भी आप इस वाले रूम के अंदर ईजिली जा पाओगे। तो गाइस इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से खड़ा होना है, और भाई फिर आपको जंप वाले बटन को दबाना है। तो गाइस जैसे आप अपने जंप वाले बटन को दबाओ, तो गाइस आपका जो जॉयस्टिक है भाई, उसको आपको पीछे की ओर खींचना है। तो गाइस आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे, और भाई फिर आपको यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आके बैठ जाना है, और उसके बाद आपको विंडो की ओर भागना है, और जंप वाले बटन को कंटिन्यू दबाते रहना है। तो गाइस आप इजीली यहाँ पर आ जाओगे, और भाई यहाँ पर जो बंदा कैम करके बैठा होगा, तो गाइस आप उसको भी इजीली यहाँ से निपटा पाओगे। और भाई इसी तरीके से इसके जो साइड वाला रूम है, उसमें भी आप इस तरीके से जा पाओगे, और भाई उसी के साथ साथ जो आपको ये सामने वाले रूम मिल जाते हैं, यानी कि भाई आप इसके अंदर भी इजीली जा पाओगे इस ट्रिक का यूज़ करके। और गाइस इसके जो साइड वाला रूम है भाई, उसके अंदर भी आप इजीली इस ट्रिक का यूज़ करके जा पाओगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो गाइस इस ट्रिक को करने के लिए भी आपको सिंपल सा छत के ऊपर आ जाना है, और भाई यहाँ पर आपको रेलिंग के पास आके खड़ा हो जाना है, और गाइस फिर आपको जंप वाले बटन को दबाने के साथ ही अपनी जॉयस्टिक को पीछे की ओर खींचना है। तो भाई आप यहाँ पे आ जाओगे, और भाई फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हो जाना है, और गाइस फिर आपको एक जंप करना है, और भाई जो आपकी जॉयस्टिक है, उसको थोड़ा सा राइट में लेके लेफ्ट की ओर ले लेना है। और गाइस फिर आप सिंपल सा यहाँ पर आ जाओगे, और गाइस यहाँ पर जो बंदा कोई अंदर कैम करके बैठा होगा, तो भाई आप उसको ईजिली निपटा दोगे। और भाई अगर उसी के साथ साथ कोई बंदा रश भी करता है, तो गाइस तब भी आप उसको इजीली यहां से निपटा पाओगे, और गाइस यहां से आप इस विंडो के अंदर भी जा पाओगे। और भाई इसी के साथ साथ गाइस जो है छोटे वाले रूम है भाई, इसके अंदर भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि गाइस जो बिल्डिंग के अंदर हर एक विंडो है भाई, हर एक विंडो के पास इस ट्रिक को आप अप्लाई कर पाओगे। तो गाइस यहाँ भी आप इस तरीके से बंदे को इजीली मार पाओगे, और गाइस यहाँ पर तो काफ़ी बंदे कैंप करके बैठे रहते हैं, तो गाइस इनको मारने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 की तरफ।
तो गाइज इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपल सा इस वाले रूम के अंदर आ जाना है और भाई फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से आके खड़ा होके इसके अंदर बैठ जाना है। और गाइज यहाँ से आप पीक लेगा भाई, जो बंदा सामने सीमेंट्री के अंदर होगा आप उसको इजीली नॉक कर पाओगे। और उसी के साथ साथ गाइज अगर कोई बंदा यहाँ पे साइड में भी बैठा होगा तो भाई आप उसको ग्रेनेड से भी इजीली नॉक कर पाओगे। तो गाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई आप उसको ग्रेनेड से कैसे नॉक कर पाओगे, यानी कि भाई अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा होगा तो भाई आप उसको यहाँ से इजीली नॉक कर दोगे। तो गाइज आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ये बंदा हो चुका है नॉक। और गाइज इसी के साथ साथ इस ट्रिक को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर पाओगे, यानी कि भाई ऑफिस की साइड भी कोई बंदा होगा तो भाई उसको भी आप इजीली यहाँ से मार पाओगे। तो गाइज इसको आप हर एक विंडो से ट्राई कर सकते हो, गाइज जहाँ से भी आपको अच्छा एंगल मिले तो भाई आप वहाँ से इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 5 की तरफ। तो भाई जब भी कोई बंदा आप पे रश करे तो गाइज उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो भाई उससे बचने के लिए आपको सिंपल सा छत के ऊपर आना है और भाई यहाँ से आपको एक जंप लगानी है और गाइज फिर आपको यहाँ पे इस जगह पे आ जाना है। और गाइज जो बंदा होगा वो आपको पूरी बिल्डिंग के अंदर ढूंढेगा लेकिन गाइज वो आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा। और गाइज जैसे ही वो बंदा यहाँ से बाहर आए तो गाइज आप उसको ईजिली यहाँ से निपटा सकते हो। लेकिन गाइज आप इस ट्रिक का यूज़ तभी करना जब आप पे एक या दो बंदा रश करे, क्योंकि गाइज अगर आप पे पूरी स्क्वाड रश करेगी तो भाई वो आपको इजीली निपटा सकते हैं। और गाइज अगर आप प्रो प्लेयर हो तो भाई आप चारों को भी इजीली निपटा सकते हो। तो भाई इस ट्रिक को भी आप हर एक बिल्डिंग के अंदर अप्लाई कर पाओगे। तो गाइज यही थी आज की हमारी टॉप 5 सी बिल्डिंग की टिप्स एंड ट्रिक। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।